द कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर सौजन्य भेंट हुई। सीएम ने विवेक अग्निहोत्री का स्वागत किया। सीएम ने फिल्म निर्माण के लिए उन्हें और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए। स्मार्ट पार्क में सीएम शिवराज ने विवेक अग्निहोत्री और उनकी टीम व विस्थापित पंडितों के परिवारों के साथ पौधारोपण किया। हिंसा के शिकार दिवंगत आत्माओं की स्मृति में पौधारोपण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर 3 पौधों के नाम शारदा, शिव और श्यामा रखे गए। सीएम शिवराज ने मीडिया से चर्चा में कहा कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म कश्मीर के पंडितों की पीड़ा को सामने लाने वाली फिल्म है। कश्मीर के हमारे भाई बहनों का जो दर्द कभी दुनिया के सामने आया ही नहीं, उसे सामने लाना साहसिक कार्य है। इसके लिए मैं विवेक अग्निहोत्री जी के साहस को सलाम करता हूँ। कश्मीर माँ शारदा और भगवान शिव जी की पवित्र धरा है, जिसने दुनिया को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित किया है। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे तीसरे पौधे का नाम श्यामा रखने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला, वो बहुत मुश्किल है। पहले वो सोच रहे थे कि वो मेरे जूनियर है, मैं उनका जूनियर नहीं, लेकिन जब हमने एज का हिसाब लगाया तो मैं उनका सीनियर। लेकिन विवेक जी को मैं बहुत धन्यवाद। हमारे दर्द जो दुनिया के सामने कभी आया क्रिकेट नहीं हुआ, भगवान शिव और माँ शारदा की पवित्र भूमि कश्मीर है, जिसने दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया। उसी पवित्र धरती पर हमारे निर्दोष भाई और बहनों के रक्त से भूमि लाल झूमे यार। अपनी जड़े जब कोई छोड़ता है तो कितनी तकलीफ होती है, कल्पना कीजिए। वो विवश हुए, मजबूर हुए अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए, घर बार परिवार संसार जैसे उजड़ गया। अरे यार, अरे यार, लेकिन ये माँ शारदे की कृपा है। जो विवेक जी कह रहे थे अपने ज्ञान से उन्होंने विश्व के हर कोने को आलोकित करने का काम किया, हिम्मत नहीं है, हिम्मत को भी प्रणाम कर। लेकिन ये जो तकलीफ और दर्द थी, जो अमानवीयता हुई, उसको प्रकट किया विवेक जी ने इस मेल के माध्यम से। और ये साफ विवेक जी का भी कहना है, हम भी ये मानते हैं, ये घृणा फैलाने के लिए नहीं, घृणा फैलाने के लिए नहीं, लेकिन सच्चाई सामने आए ताकि फिर और कोई उसका। सीएम ने कहा, फिल्म के माध्यम से कश्मीर से विस्थापित पंडित परिवारों के दर्द को दुनिया ने जाना है। इस संबंध में विवेक अग्निहोत्री जी ने मध्य प्रदेश में संग्रहालय और कला केंद्र की स्थापना का सुझाव दिया है। हमारी सरकार इसके लिए स्थान और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगी। 2008 में कश्मीर गया था, कश्मीरी पंडित भाई बहनों ने सम्मेलन किया, उस समय भी बाबा कह के आया था कि ये जो हुआ ये अमानवीयता की पराकाष्ठा है। अब दर्द दुनिया ने समझा है, अब हम सबकी ड्यूटी है कि उस दर्द को हम पी जाए ताकि उनकी तकलीफ कम हो सके, धरती पर वो फिर से बसे और देश और दुनिया के जिस भी कोने में रहे वो अपने ज्ञान के आधार पर देश की और समाज की सेवा करते रहे। आज विवेक जी ने बहुत अच्छा विचार दिया है जेनोसाइड म्यूजियम का। विवेक जी, आप जेनोसाइड म्यूजियम की योजना बनाइए, जमीन सहित राज्य सरकार हर तरह का सहयोग आपको करेगी। मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूँ।
लोग जाने और जानने के बाद जो आपने बात कही क्या मानवीयता की बात कही, निकले वहां से तो ये देखते हुए बेहतर इंसान बन के निकले, हिंसा और घृणा के लिए नहीं बल्कि प्रेम का नया संसार रचने के लिए। निश्चित तौर पर साथ मैं आपके साथ हमारे साथ और हमारे सारे कश्मीरी भाई बहन हमारे कलेजे के टुकड़े, ये मध्य प्रदेश अपने ऐसा राज्य के जो आता है दूध में शक्कर की तरह मिलके एक हो जाता है, तो आप ये धरती अपनी मानिए, कोई चिंता की यहाँ बात नहीं है, बात हमारा है और इसलिए जो आपने एक बात कही है कि कल्चरल वन कल्चरल सेंटर हम बिल्कुल इसको भी स्थापित करेंगे और आपके साथ सारा देश। पौधारोपण के दौरान विस्थापित पंडित परिवार और कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम मौजूद थी।